19वीं AGM मीटिंग जीरियल इंफ्रास्ट्रक्चर ने यहाँ पे डिक्लेयर कर दी है एंड वहाँ की जो डेट बताई गई है वो 29th of September को यहाँ पे VC वर्चुअल कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए यहाँ पे एनुअल जनरल मीटिंग चलने वाली है। एंड इसमें क्या आउटपुट सामने निकल के आया उसकी अभी हम थोड़ी सी यहाँ पे बात करने वाले हैं। यदि यहाँ पे चले तो नोटिस फॉर AGM यहाँ पे लगाया गया है एंड यहाँ पे बताया गया है कि फर्स्ट जो 1000 मेंबर होंगे, मैं आपको थोड़ी यहाँ पे जूम कर देता हूँ, 1000 जो स्टार्टिंग में जो मेंबर जुड़ेंगे उनके साथ यहाँ पे AGM मीटिंग चलने वाली है। एंड कौन यहाँ पे जो 1000 मेंबर होंगे, जिनके पास भी ZTL इंफ्रास्ट्रक्चर के 2% से ज़्यादा इसका स्टेक होगा, यदि आप यहाँ पे देखें तो होल्डिंग मोर देन 2% स्टेक, तो वो यहां पे जुड़ेंगे एंड उसके साथ प्रमोटर्स एंड जो कंपनी के अंदर के लोग हैं वो भी यहां पे VC वर्चुअल कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए यहां पे 29th of September को यहां पे जुड़ने वाले हैं। एंड इसके साथ वोटिंग के लिए भी कुछ यहां पे इश्यूज खोले गए हैं। यहां पे बताया गया है कि 26th of September से 28 तक 5 बजे, शाम के 5 बजे तक वोटिंग की विंडो खुली रहेंगी। वहां पे जाके आप अपने हित का सोच सकते हैं, वहां पे वोट कर सकते हैं जिस प्रकार से आपका इसमें आगे के लिए रुझान है। यदि आपके पास ZTL इंफ्रास्ट्रक्चर का शेयर है तो आप जरूर वोटिंग करिए। वोटिंग के लिए नोटिस यहां पे लगाया गया है, पूरी यहां पे प्रोसेस बताई गई है। CDSL के थ्रू आपको वहां पे वोटिंग करने का मौका मिलेगा एंड आपके जो भी यहां पे कंपनी से कहना हो वो आप वहां पे वोटिंग के जरिए कह पाएंगे। चाहे आप इंडिविजुअल शेयर हो, इंडिविजुअल स्टेक होल्डर तो आप है ही है, तो आप ये पूरी प्रोसेस पढ़ के, कोई ज्यादा टफ प्रोसेस नहीं है, यहां पे डायरेक्ट साइट पे जाना होता है CDSL की एंड वहां पे वोटिंग करनी होती है। यदि आप वोटिंग करने के लिए यदि आप फुल वीडियो बताएंगे तो मैं जरूर आपके लिए एक फुल वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं पूरा डिस्कशन करूंगा कि आप कैसे वोटिंग करें एंड वोटिंग में आपको क्या बोलना चाहिए, आगे की कंपनी की स्ट्रेटजी क्या रखनी चाहिए, क्योंकि आप कंपनी के मेंबर हैं। यदि आपके पास ये शेयर है तो आप जरूर कंपनी के हिस्सेधारक हैं एंड आप यदि हिस्सेधारक हैं तो आपका एक राइट बनता है कि आप कंपनी को वोट करें एंड वोट में आपकी जो भी कहना हो वो आप कंपनी तक जरूर पहुंचाएं। एंड इसमें सभी लोग वोट करेंगे जिनके पास ZTL इंफ्रास्ट्रक्चर का शेयर है। बकाया आपका इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जरिए जो भी यहाँ पे न्यूजेस आएंगी, लेटेस्ट न्यूजेस सामने निकल के आएंगी, वो मैं आपके सामने तो रख ही दूंगा। यहाँ पे अपॉर्चुनिटी थोड़ी ज़्यादा होने वाली है 5G सेक्टर के लिए, क्योंकि 5G यहाँ पे इस समय आप मान के चलिए इस मंथ के एंड तक 5G की सर्विसेज यहाँ पे इनेबल कर दी जाएंगी, चाहे वो रिलायंस जियो के द्वारा हो चाहे वो फिर एयरटेल के द्वारा हो। तो यहाँ पे एक अच्छी अपॉर्चुनिटी इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सामने निकल के आ सकती है। 19वीं एनुअल जनरल मीटिंग रहने वाली है, तो अभी हम बात करेंगे उसी दिन क्या इसमें आउटपुट सामने निकल के आया। जब तक के लिए आप यहाँ चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही लेना, साथ में वीडियो को प्लीज़ यहाँ पे लाइक जरूर कर देना, क्योंकि इससे हमें मिलता है मोटिवेशन एंड मोटिवेशन की हमें आपके लिए वीडियो बनाने में बहुत ज़रूरत होती है। तो अभी हम मिलते हैं डायरेक्ट लेटेस्ट न्यूज़ में।